हे गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आपका एक्टर विकास और स्वागत करता हूं आपके चैनल एवी स्टूडियो के अंदर। आज का प्लॉट साइज देखेंगे, 37.5x30 फिट का है। 37.5 इसकी विड्थ है, 30 फिट इसकी गहराई है। सो इट्स ए टाइनी हाउस। एरिया देखेंगे 1125 स्क्वायर फिट का। फ्लोर प्लान है जिसके अंदर आप देखेंगे ड्राॅइंग रूम है, 3 बेडरूम है, 2 टॉयलेट्स हैं, 1 किचन, टेरेस, 1 कार पार्किंग। ईस्ट फेसिंग है एज पर वास्तु है, मॉडर्न फ्रंट फैसाड है, डबल हाइट लॉबी रहेगी। सो 125 गज का मकान है हमारा आज का, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट डिजाइन रहेगा उस मकान का। टाइनी हाउस है, काफी अच्छा इसका फ्रंट डिजाइन रहेगा। हम आगे इसको इसका आपको वॉक थ्रू भी दिखाएंगे, सो वीडियो को अंत तक देखेगा। सो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आइए प्लान की तरफ चलेंगे। सो गाइज, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। विड्थ रहेगी 37.5 फिट, लेंथ रहेगी 30 फिट। एंट्री कर रहे हैं, आपका मेन गेट रहेगा 8 फिट का, आप मेन गेट देख सकते हैं। ये पार्किंग स्पेस है आपका, 10.5 फिट इसकी विड्थ रहेगी। इस तरीके से दरवाजा खोलते हुए आप हमारे घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। लॉबी कम डाइनिंग एरिया है आपका ये, जिसका साइज रहेगा 13 फिट 3 इंच बाय 19 फिट, जिसके अंदर हमने आपकी इस तरीके से सेटिंग दी है। रोड से कैश एंट्री रहेगी दोस्तों, 3 फिट 6 इंच वाइड आपके 2 पल्लों का दरवाजा रहेगा, जो कि रोड से एक्सेस रहेगी। अगर आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको बंद करते हुए, विंडो बड़ी करते हुए यहाँ पे आप अपनी एल शेप में सेटिंग रख सकते हैं। डॉटेड स्पेस देख रहे हैं, आपका डबल हाइट एरिया है, जहाँ पे आप इस तरीके से झूमर लगाएंगे बीच में, सो काफी अच्छा व्यू मिलेगा आपको इस मकान में रहते हुए। ये आपका किचन रहेगी दोस्तों, यहाँ से आप एंट्री करेंगे अपने किचन में, 11 फिट 6 इंच बाय 8 फिट 9 इंच इसका साइज रहेगा। ये स्पेस आपका रेफ्रिजरेटर का रहेगा, यहाँ गैस स्टोव रहेगा, एंड ये आपका सिंक का स्पेस रहेगा। इस तरीके से हमने वॉल टक करते हुए यहाँ पे हमने आपका ब्रेकफास्ट काउंटर निकाला है, 2 सिटिंग लगाएंगे और आप एज एन डाइनिंग काउंटर इसको यूज करेंगे। आगे देखते हैं, आपको आपके पास मिलेगा एक मास्टर बेडरूम 11 फिट 6 इंच बाय 12 फिट का। इस तरीके से दरवाजा निकालेंगे, एंट्री करेंगे, ये आपका कवर्ड का स्पेस रहेगा, अलमारी रहेंगी। इस तरीके से आप बेडिंग करते हुए सामने टीवी पैनल लगाएंगे। पीछे आप देखेंगे हमने 5 फिट का ओपन स्पेस छोड़ा है, ये ओपन टू स्काई रहेगा, यूटिलिटी एरिया के तौर पर इसको यूज करेंगे हम, जहाँ पे आप हमने बेडरूम की विंडो देंगे, प्लस आप अपने टॉयलेट का वेंटिलेटर देंगे। एक्सेस के लिए हमने बेडरूम में दरवाजा दिया है, जिसकी वेट 3 फिट रहेगी। यहाँ पे आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रख के इसको एज एन यूटिलिटी एरिया यूज कर सकते हैं। सिंगल टॉयलेट रहेगा इस फ्लोर के अंदर, 5 फिट बाय 9 फिट 3 इंच इसकी डायमेंशन रहेगी, जो बेडरूम्स प्लस आपका जो गेस्ट रहेंगे वो कंबाइन यूज करेंगे इसको। लेआउट देखते हैं, 2.5 फिट का दरवाजा रहेगा, एंट्री करेंगे, ये वॉश मशीन है, यहाँ डब्ल्यूसी एंड आपका बेथिंग स्पेस रहेगा। 2.5 फिट का आप यहाँ पे वेंटिलेटर दे सकते हैं इन द ओपन स्पेस। इस तरीके से आप अपनी स्टेयरकेस चढ़ाएंगे, 2 फिट 6 इंच इसकी 3 फिट इसकी विड्थ रहेगी स्टेयरकेस की, 10 इंच इसका ट्रेड रहेगा, एंड 7 इंच आपका राइजर रहेगा। सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं, 10.5 बाय 13 फिट 3 इंच इसकी डायमेंशन रहेगी। इस तरीके से दरवाजा देंगे, पार्किंग स्पेस में हमने इसकी विंडो दी है, बेडिंग लगाएंगे, यहाँ पे आप अपने टीवी पैनल लगा सकते हैं। इस पूरी अलमीरा पे आप अपनी पूरी वॉल पे आप अपनी अलमीरा दे सकते हैं, जिसकी विड्थ आप 10.5 फिट रखेंगे। सो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान था, स्टेयरकेस यूज करते हुए हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है, पैसेज दिया है हमने 3 फिट 9 इंच का। इस तरीके से आप अपने रूम की तरफ एक्सेस करेंगे। बाकी ये जो हमारा एरिया है डबल हाइट रहेगा, ये दो विंडोज दिख रही हैं आपको, इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से हमने यहाँ पे दोनों तरफ विंडो दी है आपको, जो कि आप फ्रंट एलिवेशन में देखेंगे। सो 3 फिट 9 इंच वाइड पैसेज से आप अपने बेडरूम की तरफ चल रहे हैं, मास्टर बेडरूम की तरफ। साइज देखेंगे 11 फिट 6 इंच बाय 14 फिट, इस तरीके से हमने ओपनिंग करते हुए आपको एक्सेस दिया है। यहाँ आपकी विंडो रहेगी, ये आपका दरवाजा रहेगा बैल्कनी में ओपन टेरेस में आने के लिए। यहाँ पे हमने कबर्ड दिया है आपकी, बेडिंग इस तरीके से रखते हुए आप यहाँ पर अपना जो है टीवी पैनल लगाएंगे। पीछे की तरफ देखेंगे हमने जाल लगाते हुए आपको एक्सेस दिया है इसको, तो एज एन आप यूटिलिटी एरिया इसको यूज कर सकते हैं। टॉयलेट रहेगा 5 फिट बाय 9 फिट 3 इंच का, इफ यू रिक्वायर्ड आप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। आगे की तरफ देखते हैं, हमने यहाँ पे ओपन टेरेस छोड़ा है। अगर आपको चौथे बेडरूम की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको चौथा बेडरूम, जैसा हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है, इसको 4th बेडरूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। साथ में आप उसको अटैच बैल्कनी या फिर बड़े बेडरूम बनाते हुए दे सकते हैं। आगे की तरफ देखेंगे, हमने ओपन टेरेस दिया है, इस तरीके से ओपन सेटिंग दी है, ऑन रोड 3.5 फीट की प्रोजेक्शन दी है। अगर आपके पास फिजिकल फिजिबिलिटी अलाउ करती है तो आप भी इस तरीके से बैल्कनी अपनी ऑन रोड दे सकते हैं। आइए व्यूज की तरफ चलेंगे, फ्रंट फसाड की तरफ चलेंगे। सो ये हमारा फ्रंट फसाड है दोस्तों, ये मेन गेट रहेगा आपका, पार्किंग स्पेस, ये आपकी जो घर की एंट्री है गेस्ट एंट्री रहेगी वो है, ये आपकी बड़ी विंडो डबल हाइट विंडो है, ये आपकी किचन की विंडो रहेगी। इस तरीके से हमने 3.5 फीट की प्रोजेक्शन निकाली है ऑन रोड। सो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, काफी अच्छा है। इन द ब्रिक्स यूज करते हुए हमने, टाइल्स यूज करते हुए हमने इसको
ब्यूटीफाई किया है। इस तरीके से आप ब्लैक टाइलिंग यूज करते हुए ग्रूविंग दे सकते हैं, काफी अच्छी लुक आ रही है उससे। रेलिंग का डिजाइन देख सकते हैं, हमने सिंपल स्लीक रखा है। ओपन टेरेस में हमने इस तरीके से ग्रीनरी यूज की है। ऊपर आप देख रहे हैं ममटी दिखेगी, ममटी के ऊपर आप अपने टैंक वगैरह रखेंगे, वाटर टैंक्स। ये बर्ड आई व्यू है जिससे आपको पूरे घर का व्यू मिल रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो उम्मीद करते हैं आपको ये व्यू जो है पसंद आया होगा। आइए वॉक थ्रू की तरफ चलेंगे। तो गाइज ये हमारा आज का प्लान था। 37.5x30 फीट का ईस्ट फेसिंग प्लॉट है एज पर वास्तु है, जिसके अंदर हमने आपको प्लान फसाड प्लस इसका वॉक थ्रू भी दिखाया है। सो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं प्लान कैसा लगा। आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, सो दैट हमारी कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय दोस्तों।